कैनेडा ने हुआवे की जो सीईओ थी उसको डिटेन किया था अमेरिका के कहने पे कि इसने रूल्स तोड़े हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट। और कैनेडा के दो बंदे थे जो कि अमेरिका में और चाइना में बिजनेसमैन थे, उनको डिटेन कर लिया। और आप यकीन मानिए मेरा दिमाग खराब होता है कि कनाडा वाले उस बारे में बात ही नहीं करते हैं। उनके दो बंदे बेगुनाह पकड़ लिए। मैंने कोई ट्विटर वॉर नहीं देखी चाइना के खिलाफ। मैंने किसी एमपी को नहीं कहा कि यार कोई अग्रेशन मतलब अग्रेसिव स्टेप लो। कोई मैंने रैली नहीं देखी, कोई मोमबत्तियां नहीं जल रही हैं। इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें चाइना से पंगा नहीं लेना चाहिए। जो जो कि पुराने उनके मिनिस्टर हैं कैनेडा के, कह रहे हैं कि नहीं हम क्यों अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको छोड़ दो और अपने दो बंदे वापस ले लो। तो ये जो करप्शन है कनाडा अमेरिका इंडिया हर जगह, तो उस बारे में आपको क्या कहना है कि चाइना अब मतलब बंदे मारता भी नहीं है, एक गोली नहीं चलाता और अपने काम मनवा लेता है आराम से। देखिए, मैं ना बहुत सालों से, आई'ल टेल यू, आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू प्रिडिक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा, फरवरी 16, 2016 की बात। तो मैं एक वर्ल्ड वाइड मॉडल बनाया है, मैंने उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ। तो उसमें मैंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, रशिया वगैरह का एक प्लान देखा कि भैया ये पाथ है। और उसमें मुझे वो हर किसी का वही प्लान अप्रोक्सीमेटली चल रहा है एक्सेप्ट कनाडा। मुझे कनाडा के लिए उम्मीद नहीं है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि कनाडा में इतनी करप्शन है पॉलिटिकली। कनाडा इज द मोस्ट पॉलिटिकली करप्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस। मतलब जितनी जो जो एक तो क्राइम होता है वो अलग है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ जो ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव है, इतनी खुलेआम करप्शन किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं है जितनी कनाडा में है, ठीक है ना। और वो करप्शन चलती इसलिए है क्योंकि कनाडा का धंधा यह बना हुआ है कि इमिग्रेशन लाओ, इमिग्रेशन लाओ, इमिग्रेशन लाओ, इमिग्रेशन लाओ। और कनेडियन जो गोरे लोग हैं उनको ये सिखा रखा है कि हम देखो कितने अच्छे हैं, कितने टॉलरेंट हैं, वी नाइस, वी आर नाइस। आर नाइस। तो ये जो नाइस कनेडियंस है इनको नाइस नाइस में अपने आप को बिका देना, ये बिक रहे हैं कनेडियंस। आज की डेट में रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते आप कनाडा में, सब चाइनीज की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से, एंड दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। पर वो ये बात करेंगे नहीं क्योंकि उसमें रेसिज्म हो जाएगी। तो हाँ जी, कनाडा को तो पाकिस्तान ने और चाइना ने और इन सब लोगों ने खरीद रखा है, और ये कनेडियन गोरे लोग जो हैं ये नाइस बने हुए हैं, और हमारे लोग जो गए हुए हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। देखो मैं बात बताता हूँ, अब कनाडा में हमारे बहुत इमिग्रेंट्स हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, हिंदू भी हैं। तो यस, इमिग्रेशन का कितना फ्रॉड चल रहा है, बहुत और जो हमारे लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं वो कमाईया कैसे कर रहे हैं उसमें बड़ा फ्रॉड चल रहा है। जी। तो कनाडा को, कनाडा के साथ ही झूठ करके हम कैनेडियन सिटीजन बनते हैं, जबकि हमारा काम होना चाहिए कि कैनेडियन गोरे लोग, अगर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको रेसिज्म कहलाने से डर लगता है, तो हम अब कैनेडियन हो गए, हम कहते हैं कि भैया ये सीधे हो जाओ, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अपना धंधा कर रहे हैं। तो कैनेडियंस खुद बेवकूफ हुए हुए हैं, कैनेडियंस के पॉलिटिशियन बिके हुए हैं, और हमारे लोग कनाडा के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। मेरे 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 कनाडा में जो फ्रेंड है जो कि बिल्कुल उनको बहुत तरस आता है कनाडा पे कि भी कनाडा डूब रहा है, तो मैं उनको कहता हूं कि जो कनाडा को सपोर्ट करते हैं उनके साथ खड़े हो। वहां पे वो शुरू हो जाते हैं, नहीं जी ये रेसिस्ट हैं। तो मतलब कि किसी इंडियन से कहा नहीं जाता कि भैया कनेडियन रेसिस्ट नहीं है, और कनेडिया कनाडा को रेसिज्म के नाम पे डुबाया जा रहा है बाय करप्ट क्रुक्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंड चाइना एंड एंड कतर एंड सोमालिया। तो इंडियन चार खड़े होकर कहें कि भैया कैनेडियंस रेसिस्ट नहीं है, बट ये लोग कनाडा को डुबा रहे हैं, नहीं बोलते हैं, अपना धंधा चलता है, कनाडा इसमें डूब जाएगा। कनाडा की मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है आगे मॉब बढ़ने। मॉब लिंचिंग आती है ना। कनाडा में एक बंदे ने बोला था, टोरंटो में एक बंदे ने लाउड स्पीकर के ऊपर जब आजान के अगेंस्ट, उस बंदे की नौकरी चली गई, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो ऐसा बंदा है, तो बोले कैसे। ऐसा है, तो मैं एग्जांपल देता हूं ना, देखो कनाडा में जितने इंडियंस हैं, चाहे हिंदू ही मान ले, चाहे आप कह दें कि भैया सिख हमारे साथ नहीं है, पर जितने हिंदूज हैं लेते सारे बॉयकॉट कर दें, हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी, हम काम पे नहीं जाएंगे, हमारे ऑफिस बंद हैं, क्योंकि ये पॉइंट है और हम इस पॉइंट पे इन मुल्लों को बुली नहीं करने देंगे, करें ऑर्गेनाइज।
अगर आपके इमिग्रेशन ऑफिस चलते हैं आप इमिग्रेशन ऑफिस बंद कर दें, अगर आप किसी कैनेडियन कंपनी के लिए काम करते हैं आप बॉयकॉट कर दें, सारे इकट्ठे 1 मिलियन इन हिंदू बॉयकॉट कर दें कि हम काम पे नहीं जाएंगे, हमारी दुकानें बंद है, हमारी नौकरियां बंद है, हम अपनी इंश्योरेंस पेमेंट्स नहीं करेंगे, हम अपनी कार की पेमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये मंजूर नहीं है कि हमने कुछ बात की तो हमको ऐसी पर्सिक्यूशन होती है कि भैया हिंदू को क्यों पर्सिक्यूट किया जाता है। बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया। तो आप कहें ना कि भैया हम इस्लामोफोब नहीं है, आपका जज्बा कहाँ है? वो तो हर चीज, हर वो तो किसी चीज पे खड़े होकर शुरू हो जाते हैं कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया है। तो आप हमने हिंदूज ने क्यों आपसे एक्सेप्ट किया कि हमको इस्लामोफोबिया कहा जाए? उनने इस्लामोफोबिया कह दिया, आप चुप हो गए? सारे कैनेडियन हिंदूज बॉयकॉट कर देना, हमारी दुकानें बंद है, बस बात खत्म, हम काम पे नहीं आएंगे, क्या करेंगे कि सारे हिंदूज को फायर कर दो? नहीं, पर उनकी फिर मॉर्गेज रुक जानी है उनकी, तो वो रुक जाए, जिन बैंक की, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना, सी दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उनको सिस्टम को डिसरप्ट करना आता है, हमारी फटती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर अगर आज 10,000 हिंदूज या 20,000 हिंदूज या 1,00,000 हिंदूज अपनी मॉर्गेज देना बंद कर दें, सारे जो बैंक हम फट जाएगी, उनकी ये क्या चल रहा है, राइट? तो पॉलिटिशियन देखे, सीबीसी देखे, आगे पीछे लोग देखे, चल क्या रहा है भैया? प्रोटेस्ट करना कुछ होता है भैया, गांधी जी से कुछ सीखे ना, पीसफुल नॉन कोऑपरेशन क्या होती है, नॉन कोऑपरेट करें, आपको कौन कहता है वायलेंस ना करें, अंडरस्टैंड नॉन कोऑपरेशन, यस, डोंट कोऑपरेट। किसने कह दिया भी इस्लामोफोब है? हमको इंडिया में दिन रात ये कानों में लाउडस्पीकर का सुनना पड़ता है, हमको पता है कि वो मौलवी हमको सुना रहा है और हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारी सरकार उसको बंद नहीं करती है, कनाडा फ्री सोसाइटी है, कनाडा की फ्री सोसाइटी में अगर एक हिंदू ने कुछ कह दिया उसके पीछे मुसलमानों के नाम पे सारे गोरे पड़ गए और सारे हिंदू चुप बैठे हैं। बॉयकॉट करो, कुछ ऑर्गेनाइज करो, कुछ नहीं किया, कुछ लोगों ने फंडिंग करी है, दे आर फाइटिंग द केस फॉर हिम, उन्होंने $70,000 रेज किए, इट कम्स डाउन टू ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी, बिकॉज चार लोग मैं आप करें उसे फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हो, एक 1,00,000 हिंदू कहें कि हम अपनी कार की मॉर्गेज नहीं देंगे, घर की मॉर्गेज नहीं देंगे, हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी, हम नौकरियों पे नहीं जाएंगे, कुछ कुछ हिलेगा ना फिर सिस्टम। कि किसने कह दिया इस्लामोफोबिया है ये, क्यों कहा, किस बेसिस पे कहा, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? दिस रिक्वायर्स सम बॉल्स। लेकिन हमको ये पड़ी रहती है कि भैया हवा हमारे ऊपर से चले, हमारा काम चलता रहे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। You know, तो you cannot change the world by complaining. Complaints से दुनिया नहीं बदलती. You have to put yourself at risk. तो अगर आपको यही पड़ी है कि क्या हो जाएगा, तो फिर Facebook पे गालियां दे लो. जीत तो उन्हीं की होगी जो कुछ रिस्क करने को तैयार है. Nothing ventured, nothing gained. सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो. ये बहुत आपकी लाइन मुझे बड़ी सही लगी कि जीत उसी की होगी जो रिस्क लेने के लिए तैयार है. वीडियो सुनते रहते हैं, डर के आगे जीत है. Yes. क्या डर के आगे जीत है? तुमको तो डर ही लगा रहता है भाई। चलो सर, लेट्स सी, आई होपफुली लोगों के अंदर हिम्मत आए और हम भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, नॉट ओनली इन इंडिया बट जहां कहीं भी डेमोक्रेसीज हैं, फ्री वर्ल्ड है, कनाडा, अमेरिका, यूके, लेट्स सी। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।